हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं 6 बेनिफिट टू यूके यूएस एंड कनाडा पढ़ने जाने के लिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी में ऐसा है कि अगर आप ये तीनों कंट्री जो मैंने बताई उसमें आप पढ़ने जाते हो, तो आपको वहाँ पढ़ते पढ़ते खुद ही जॉब ढूंढनी पड़ती है। जैसे बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता है कि कैंपस आते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियाज में आपकी पढ़ाई के टाइम पे जब फाइनल ईयर होता है तो आपके वहाँ पे कैंपस आते हैं, बट यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ खुद ही जॉब ढूंढनी पड़ती है। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि आपको पढ़ाई के साथ ही ये एक्सपीरियंस मिलना स्टार्ट हो जाता है कि हाउ टू फाइंड योर जॉब, हाउ टू सिलेक्ट योर करियर। जैसे कि आप पढ़ रहे हो जो भी फील्ड के अंदर, उसी फील्ड को लेके आपको आपका करियर बनाना है, तो आपकी करियर की जर्नी पढ़ाई के साथ हो जाती है। सबसे अच्छा पॉइंट रहता है। सेकेंड है इंटरनेशनल एक्सप्लोजर। यहाँ पे ऐसा होता है कि आप जो भी कंट्रीज में पढ़ने जाते हो तो वहाँ पे और भी कंट्रीज के स्टूडेंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप यूके गए हो तो यूके के अंदर आपको पाकिस्तानी भी मिलेंगे, बांग्लादेशी मिलेंगे और अफ्रीकन स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। तो आपके पास बहुत सारे कल्चर्स को देखने की आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बहुत सारे कल्चर आप जान पाओगे, लैंग्वेजेस थोड़ी बहुत आप सीख पाओगे और उनके साथ रह के आपका भी डेवलपमेंट हो सकता है जो भी कंट्री में आप गए हो। तो उसके साथ साथ आप वहाँ जो कंट्री में गए हो उसका फूड, उसका कल्चर, उसकी लाइफस्टाइल, वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक एक्सपोजर मिलता है। तो ये सेकेंड बेनिफिट आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। थर्ड पॉइंट है आपका डाइवर्स कोर्स। डाइवर्स कोर्स के अंदर ऐसा होता है कि आपने कोई कोर्स एक ले लिया है और पैरेलली आपको दूसरे कोर्स में भी एडमिट करना है या एडमिशन लेना है, तो दोनों कोर्स आप पैरेलली पढ़ के आपका स्टडी बहुत कम टाइम में दो दो डिग्री लेके भी आप कर सकते हो। आप में छोटे छोटे कोर्सेज भी आपको मिल जाते हैं आपकी जो भी रेगुलर स्टडी होती है, और पैरेलली दो कोर्सेज भी आप पढ़ सकते हो। डिपेंड होता है कि आप आपकी स्टडी कैसे मैनेज करते हो। दोनों कोर्स अलग अलग होते हैं तो दोनों की आप प्रिपरेशन कैसे करते हो एट द वन टाइम और वन माइंडसेट के हिसाब से। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है जब ओवरसीज का आपका डिसीजन होता है, ताकि कोर्सेज भी आपको अलग अलग मिल जाते हैं और आपके पास दो करियर अपॉर्चुनिटी हो जाती है बेस्ड ऑन सिलेक्टेड कोर्स। तो ये एक आपके लिए अच्छा एक्सपोजर है। फोर्थ वन है आपके पास वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज। वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज में ऐसा होता है कि बहुत सारी कंट्री से बहुत सारे लोग पढ़ने भी आते हैं और पढ़ना उनका रिसर्च बेस होता है। तो जब रिसर्च बेस होता है तो रिसर्च के साथ उनको टीचिंग भी करना रहता है। जब वो टीचिंग करते हैं तो टीचिंग को समझने के लिए पर्टिकुलर कोर्सेज या जो भी उनका जो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है उसको समझने के लिए उनको रिसर्च भी करना पड़ता है। तो ये दोनों वाइसे वर्सा होता है कि जो रिसर्च करता है वो पढ़ाता भी है और पढ़ाने के साथ साथ वो रिसर्च भी करता है। तो ये दोनों क्वालिटी होती है ताकि वो लोग आपको अच्छा एजुकेशन, अच्छा उनका जो भी एक्सपीरियंस होता है, वो सब्जेक्टिव जो भी ट्यूटर होते हैं वो आपको एक्सप्लेन भी अच्छा करते हैं और आपको एजुकेशन भी अच्छा प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बाहर जाने के डिसीजन के अंदर एजुकेशन के हिसाब से। नेक्स्ट अपना पॉइंट है कॉन्फिडेंस एंड एडेप्टिबिलिटी। एडेप्टिबिलिटी दैट मीन्स आप कहीं भी जाते हो तो आपको सबसे पहले एडेप्ट करना आना चाहिए कि कोई भी कल्चर आप इजीली उसको समझो, उसके साथ रिलेट करना स्टार्ट करो। और कॉन्फिडेंस आपको ऐसा होना चाहिए कि आप आपके होम कंट्री को छोड़ के कोई ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे हर कोई लोग नए हैं, जिनके साथ आपको बैठना उठना, उनका कल्चर को एक्सेप्ट करना और उन्हीं के साथ रहना होता है। तो वहाँ पे जाके आपको खुद का ही सब कुछ करना पड़ता है, खुद जॉब ढूंढनी होती है, खुद के सारे काम करने पड़ते हैं, ग्रॉसरीज खुद की लेनी के लिए जाना पड़ता है और वहाँ पे भी डील करना, बहुत सारी चीज़ों में डील करनी होती है, नेगोशिएशन आपको आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो करने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। आपका नेचर ऐसा होता है कि आप किसी के साथ मैच भी नहीं हो पा रहे हो, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी चैलेंजेस आएंगे बिकॉज ऑफ बहुत सारी कंट्रीज के अलग अलग बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं या फिर जॉब के लिए आते हैं। तो सभी के साथ अगर आप इंट्रोवर्ट होते हो तो मैच नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है कि आप कोई भी कंट्री के बच्चों को या किसी और कंट्री को समझते हो, उनका कल्चर समझते हो, क्रॉस कल्चर के अंदर आप सेट होते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहेगा कि आप कोई कंट्री में जा रहे हो, वहाँ जाके आपने क्या सीखा, उनका कल्चर क्या है, उनकी फूड लाइफस्टाइल कैसी है, उनके साथ रहना है तो आप किस तरह से रह सकते हो, उनका नेचर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको एक्सपीरियंस करनी है तो बी कॉन्फिडेंट रह के वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे सोच के जाओगे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा तो ये नहीं चलेगा। तो इन शॉर्ट, आपको कॉन्फिडेंस और एडेप्टेबल काइंड ऑफ नेचर ही रहना पड़ेगा सो यू कैन एन्जॉय योर करियर इन अब्रॉड।
अब लास्ट बट नॉट लीस्ट सेल्फ डिस्कवरी. सेल्फ डिस्कवरी ये पॉइंट इसके लिए हमने डाला है ये वीडियो के अंदर कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो कंट्री में होते हैं ना उनको कुछ पता नहीं होता, उनकी लाइफ ऐसी हो जाती है सुबह उठे खाया पिया और चले गए, पूरा दिन निकल गया. यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको हर एक चीज़ खुद के लिए करनी पड़ती है. मॉर्निंग आपका रूटीन से लेके आपकी लॉन्ड्री से लेके आपका नाश्ता डिनर लंच वॉट एवर एक्टिविटी खुद करते हो, तब जाके आपको पता चलता है कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. बिकॉज ऑफ जहाँ पे होम कंट्री पैम्परिंग जैसा होता है दैट टाइम आपको पता नहीं चलता कि आपके पास कौन सी स्किल है, आप कहाँ खुद को डेवलप करना चाहते हो, कौन सी चीज़ को और कौन सी स्किल को लेके आप ग्रो कर सकते हो, जिसके अंदर से आपको पता भी चलेगा लाइफ में कि मुझे यहाँ पे आगे जाना है, ये स्किल मेरी ऐसी है कि मुझे उसको प्रोफेशनली कन्वर्ट करना है. तो यहाँ जाके आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता चलता है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट पता चलता है, एंजाइटी आपको हावी करती है कि नहीं करती, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ को डिस्कवर करती है. तो जब आप अपनी कंट्री या अपना घर जो ऐसे बोलते हैं ना घर के बाहर निकलो तो पता चलेगा, जैसे कंट्री के बाहर जाते हो तब आपको पता चलता है कि आप हो क्या और आप में क्या क्या एबिलिटीज़ है और आपको खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हो और कैसे प्रूव करते हो, वो आपको सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ओवरसीज में जाके मिलता है. सो बहुत सारे स्टूडेंट अभी एग्जाम्स खत्म हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रिपरेशन भी किया है बाहर जाने के लिए. तो जो भी स्टूडेंट को बाहर जाना है और स्टिल कन्फ्यूजन है कि बाहर क्यों जाए, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है. आप देखो आपके फ्रेंड्स जो बाहर जाने की प्रिपरेशन करते हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करो, और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ. जय हिंद.